इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ हावड़ा के ओल्ड नमक घाट घाट में। आपको बता दें कि कल पूरे देश में छठ का महापर्व मनाया जाएगा और छठ पूजा को किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके लिए यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि कल इस ओल्ड नमक गोला घाट जो हावड़ा में है, यहाँ पे तकरीबन 25,000 से 30,000 श्रद्धालु आएंगे और छठ का जो पावन उत्सव है कल वो मनाएंगे। कल और परसों मिला के यहाँ पर 50,000 के करीब लोग आएंगे और कल होना है जिस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ पर जो नवयुवक दल जो 2001 से पिछले 20 साल से यहाँ पर कर रही है, उसके लोग यहाँ पर है। आइए इनसे हम बात करते हैं और किस तरह से छठ का इंतजाम किया गया है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग 20 साल से छठ पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं, हम मतलब नवयुवक दल। और ये रेलवे के अधीन जगह आता है, रेलवे DRM से परमिशन लेकर हम लोग छठ पूजा करते हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या 25,000 से 30,000 की संख्या होती है और हम लोग यहाँ व्यवस्था अपना चुस्त दुरुस्त रखते हैं। और जो अभी कोरोना महामारी चली है, उस कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैनिटाइज और मास्क की भी व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। और हम लोग अपने तरफ से जितने भी हो सके कोई भी श्रद्धालु को कोई असुविधा कष्ट ना हो, इसको ध्यान में रखकर हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर नंदी बगान, पिलखाना, उड़िया पढ़ा, टिकिया पढ़ा, यहाँ से लोग बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर छठ करने के लिए। इसका मेन वजह है कि यहाँ व्यवस्था सबको मिलता है। 2001 से हम लोग यहाँ अपना छठ पूजा का आयोजन चालू किए हैं और आज तक हम लोग करते आए हैं। पहले यहाँ पर संख्या 500 की थी, 1,000 2,000 होते होते आज 30,000 से 35,000 की जनसंख्या हो चुकी है। हम लोग 22 तारीख से चालू किए हैं साफ सफाई का काम, 15 लेबर डोर, यहाँ जंगल लग जाता है, बंद रहता है ना, बंद केवल हम लोग पूजा के लिए परमिशन लेते हैं और उसी समय खुलता है, सालों साल बंद रहता है। खंडहर देखने से मालूम चल जाएगा कि जगह खुला रहता है कि बंद रहता है। और हम लोग साफ सफाई अपना 15-20 आदमी की संख्या में प्रतिदिन लगाते हैं और करते हैं। उनके लिए चाय का व्यवस्था और जो हम लोग के लिए नाश्ता पानी और रात में जो रह जाते हैं उनके लिए खाना का भी व्यवस्था किया जाता है, सब नवयुवक दल के द्वारा होता है। जितने भी यहाँ खर्च है लाइटिंग की, बांस की और बांस का बेड़ा जो डबल घाट पर देखिएगा, डबल डबल बेड़ा बनाया गया है, टोटल इसकी व्यवस्था नवयुवक दल करता है। और आज से नहीं, शुरू से नवयुवक दल करते आ रहा है, कोई गवर्नमेंटी सुविधा हम लोग के पास नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि पूरे देश में धर्म के नाम पे लोग बटे हुए, लेकिन यहाँ पर इस छठ पूजा के अवसर पर मुसर्रत खाना में और उनकी पूरी टीम है, तो क्या वार्ता, क्या संदेश यहाँ से देंगे? हम लोग धर्म के नाम पर बांटते नहीं है, धर्म के नाम पर हम लोग आदमी को जोड़ते हैं। ईद में हम जाते हैं, ये हमारे छठ पूजा में आते हैं, दुर्गा पूजा में आते हैं। हम लोगों का काम है एक दूसरे को जोड़ना, तोड़ने वाला काम हम लोग नहीं जानते हैं। वो जो धर्म के नाम पर दुकानदारी करते हैं वो अपना दुकान चलाने के लिए धर्म को, पब्लिक को तोड़ कर रखते हैं, लेकिन हम लोग धर्म के नाम पर जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। इसी का कारण है कि आज हम लोगों के संग में आई है, आज से नहीं, कई दिनों से हम लोगों के संग में आकर डेली काम करवाती हैं, देखती हैं। खास बात है, यहाँ पर 4 परिवार मुसलमान का आता है करीब आज 10 साल से, जो छठ पूजा करता है। आज तक हम भी नहीं देखे थे, लेकिन हम देखते हैं उन लोगों को भी, हम लोग व्यवस्था बगल में घाट पर करते हैं, वो लोग भी आते हैं यहाँ पर और पूजा करते हैं। और ये जब मुसर्रत खान से हम लोगों का लगाव परिचय बढ़ा, और जब भी हम लोगों से इनका लगाव हुआ और इनका एक्टिविटी हम लोग देख करके बहुत खुशी हुए कि माने मुस्लिम हो करके भी और उसमें औरत हो करके भी अपनी टीम के साथ हम लोग संग में काम करती हैं, हम लोग को अच्छा लगा देख करके। माने ये जो लड़का लोग है हम लोग का नवयुवक दल का जी, ये लोग करीब 20-25 दिन खूब अपना काम करते हैं और सबसे खुशी की बात है इनका नाम है मुशर्रफ का नाम, ये हम लोग के साथ में जुड़ गई है, ये सबसे हम लोग के लिए खास बात है। देखिए, छठ का महापर्व है, लोगों में हर्ष और उल्लास रहता है। पिछले बार कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन के वजह से छठ पूजा में अनेक बाधाएं आई थी, लोग घाटों तक नहीं पहुंच पाए थे। इस बार उन लोगों में अलग तरह का उत्साह है और घाट के पास आकर गंगा माँ का को देखकर सूर्य का नमस्कार करके जो आनंद का अनुभव होता है वो छत या तालाब के पास नहीं हो सकता, तो इसलिए लोगों में हर्ष और उल्लास है। हम लोग पूरा प्रॉपर तैयारी करके रखे हैं कि लोगों को हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराएंगे। ये तो देखिए, ये अपने अपने मन की बात होती है, ये उच्च विचार, ये महान विचार जो है जिन लोगों के बीच में है वो लोग हमेशा ऐसे ही खड़े रहते हैं।
इनका तो आभार मानता हूँ। और ये बहुत बड़ा संदेश जा रहा है लोगों के बीच में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये लोग बटे हुए नहीं है। ये बांटने का काम कुछ लोग करते हैं जो न्यूज़ चैनलों पे या पत्रकारिता के माध्यम से ये लोग ये दिखाते हैं, लेकिन हम लोग पिलखाना में आज नहीं 25 वर्षों से रह रहे हैं और हम लोग ऐसा कभी अनुभव नहीं करते कि यहाँ पे कुछ बटा हुआ है। हमारे मुस्लिम दोस्त भाई हैं, हम लोग साथ में मिलके क्रिकेट भी खेलते हैं, साथ में मिलके सारा त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग एक हैं, कोई बटा हुआ नहीं है। ये जो धर्म का नाम पर मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ख्रिस्टान, मैं जैन, मैं पारसी, हम लोग एक है, हम लोग है इंसान। हम लोग का कोई जात नहीं है, हम लोग का पिता वही एक ही है। हम लोग इंसान होकर इस धरती में पैदा हुआ है, होने का बाद आया है समाज संस्कार, वो संस्कार से ये हिंदू, वो मुसलमान, ये जैन, वो ख्रिस्टान, लेकिन हम लोग सब है इंसान। सबसे पहले तो मैं अपनी दीदी श्रीमती ममता बनर्जी को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट से ही ये आज पॉसिबल हो पाया है कि बंगाल में इस तरीके से और इतने अच्छे तरीके से छठ पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो दीदी को बहुत बहुत थैंक्स कि इतने अच्छे तरीके से छठ पूजा की तैयारियां भी होती हैं और आज दो दिन का जो छुट्टी भी है वो छठ पूजा में वो दीदी ही है, दीदी के वजह से ही है, जिसमें सब लोग का सहयोग है। और दीदी के पहले ऐसा तो कभी भी बंगाल में देखने को नहीं मिला कि छठ पूजा में इतने अच्छे तरीके से तैयारी हो या फिर इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट किया जाए श्रद्धालुओं के साथ। मगर एक हमारी दीदी ही हैं, जब से सत्ता में आई हैं तब से छठ पूजा ही क्यों, आप हर एक फेस्टिवल में चल जाइए, चाहे वो हमारा ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, हर एक त्यौहार में दीदी का पूरा ही सपोर्ट रहता है और बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और आपने जो सवाल किया कि बढ़ चढ़कर हिस्सा, देखिए ये पश्चिम बंगाल हमारा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर चीज़, हर एक फेस्टिवल बहुत ही लगाव और उल्लास के साथ मनाई जाती है। और ख़ुद हमारी जो CMO है, हमारी दीदी ममता बनर्जी, वो खुद हर एक त्यौहार को, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, चाहे वो काली पूजा हो, चाहे वो छठ पूजा हो, जितने भी त्यौहार हैं सब बहुत दिल से मनाती हैं और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एकता दिखता है हर एक फेस्टिवल में, चाहे वो आप हिंदू के त्यौहार में चले जाइए या मुस्लिम भाइयों के त्यौहार में चले जाइए। तो जब हमारा स्टेट किसी चीज़ में भेदभाव नहीं रखता है तो हम लोग भी इस चीज़ से बहुत परे हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये हम दीदी के ही नक्शो कदम पे चलने पे विश्वास रखते हैं। जब आप इस छठ पूजा से जुड़ी तो इन लोग का कैसा रिएक्शन था? इन लोगों का बहुत अच्छा रिएक्शन था और अभी भी है, और बल्कि इन लोगों के साथ मैं भी बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने मुझे अपने साथ जगह दिया और इसमें शामिल रखा है। जी जी ज़रूर, और हावड़ा में तो ऐसा दिखता ही है, हर एक फेस्टिवल में आप देखिएगा सारे लोग साथ में ही रहते हैं। ऐसा कुछ भी जो भी अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक भाई ने कहा है कि मीडिया और न्यूज़ चैनलों के ज़रिए कुछ दिखाया जाता है भेदभाव, वो जो भी है वो तो मीडिया का सबको पता ही है कि क्या चलता है, लेकिन हमारे हावड़ा में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है माशाल्लाह से। और पश्चिम बंगाल में ऐसे भी धर्म के नाम पे कोई भी राजनीति या ऐसा कुछ कभी देखने को नहीं मिलता है और ना ही मिलेगा इंशाल्लाह। क्या यहां से देंगे संदेश? यहां से बस एक ही संदेश है कि हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, और हमेशा ऐसे ही एकता बनाए रखने की अपील है और यही असली भारत है। ये 21 साल से छठ पूजा यहाँ पर होता है और बहुत सुंदर से होता है। नवजीवक दल में हम भी हैं, हम लोग भी मदद करते हैं और छठ व्रतियों के लिए सहायता के लिए हम लोग एनी टाइम खड़े रहते हैं।